अक्सर हम जब चावल घर में बनाते हैं तो थोड़ा बहुत ज़रूर बच जाता है, तो आज उसी चावल से हम बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और श्वेता रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कप चावल ले लिया है, ये बचा हुआ चावल है, तो इसे हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ एक बॉईल किया हुआ आलू ले लिया है, जिसे मैंने घीस लिया है। एक चॉप किया हुआ प्याज ले लेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक चम्मच चिली फ्लेक्स ले लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालें। और टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देंगे। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो पहले चावल को पहले मैश कर ले अच्छी तरह से, और उसके बाद सभी को हम मिक्स कर लेंगे। घर में रखे हुए सामग्री से ये बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ मैंने ले लिया है 4 ब्रेड। तो हम साइड वाले भागों को हम नहीं हटाएंगे, ब्राउन वाली पार्ट को हमें नहीं हटाना है। अब थोड़ा सा ले ले एक बॉल में पानी, ब्रेड को इसमें हम भिगा लेंगे और इसके पानी को हाथ से दबाते हुए निकाल लें। तो इसके पानी को मैंने निकाल लिया है। अब ब्रेड को हम इस आलू के मिश्रण में डाल देंगे। तो इसी तरह से सभी ब्रेड को पहले पानी में भिगा लें और इसके बाद पानी निकाल लें। और ये सभी ब्रेड को मैंने इसमें डाल दिया है। अब ब्रेड को भी इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। ब्रेड इसमें हम इसलिए डालते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गीला ना लगे, ब्रेड से ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। अगर आपको ये लगे कि अभी भी थोड़ा सा ये गीला गीला लग रहा है, ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है, तो इसमें एक दो ब्रेड आप और भिंगा के इसमें डाल दें। अब थोड़ा सा मिश्रण लेके इसके बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पहले हमें इसी तरह से सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेना है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारा बॉल्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम ले लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं या तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। तो इसमें हम इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। और ये देखिए, सारे बॉल्स को मैंने मैदा में कोट कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो तेल को मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो चुका है, तो गैस का फ्लेम हम मीडियम और लो के बीच में रखेंगे और एक एक करके सारे बॉल्स हम इसमें डाल देंगे। तो तेल इतना गर्म रहना चाहिए कि जब हम बॉल्स डालें तो इसमें से बबल्स आने चाहिए। थोड़ी देर बाद इसे हम पलट लेंगे। तो जब इस डालें उसे तुरंत ना पलटें, थोड़ी देर बाद पलटें। और थोड़ी देर बाद इसे हम पलट लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और देखिए, इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत जल्द आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह सभी बॉल्स को हम फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए, बचे हुए चावल का टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।